बढ़ते कट्टर हिंदूवादी व्यक्तित्व और बेतुका बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बलिया के बैरिया विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने योगी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह उत्सव सरकारी कार्यक्रम के तहत कई लाखों की लागत में मंदिर में दो मुसलमान जोड़ों सहित 98 हिंदू जोड़ों की उनके परंपरा के अनुसार शादी करवाई। सामाजिक कल्याण द्वारा आयोजित इस सरकारी कार्यक्रम में भी विभाग की लापरवाही के चलते नहीं मिला सरकारी अनुदान। विधायक ने जताया दुख, कहा जनता से सहयोग और चंदा मांगकर कराया सरकारी आयोजन। सरकारी कर्मचारियों के भरोसे रहता तो जनता को पानी भी नहीं होता नसीब। आज मेरे भाई 126 जोड़ों की शादी हुई है, लेकिन उसमें कुछ जोड़े 30-32 जोड़े ऐसे थे जिनका कुछ टेक्निकल दिक्कत जो है आधार कार्ड के आधार पर आ गया था। तो हम तो संविधान के मानने वाले लोग हैं, सरकारी व्यवस्था जो है सरकारी व्यवस्था 92 लोगों की है, लेकिन समाज के माध्यम से जो व्यवस्था हुई है सरकार से भारी समाज हो गया है। सरकारी धन पहुंचा यहाँ? सरकारी धन पहुंचा नहीं है। अब सूची वेरिफिकेशन नहीं तो सरकारी धन कैसे पहुंचे? बड़ा आयोजन कैसे हुआ जब सरकारी धन नहीं पहुंचा? सरकारी धन नहीं पहुंचा। सरकारी धन और साधन के बल पर कोई करना चाहे तो यहाँ सादा पानी भी नहीं मिलेगा। अनिल कुमार गाय घाट कराने वाले हैं। आज कहाँ आए हैं? हम आए हैं आज विधायक जी क्या हमारी शादी करवा रहे हैं खपड़िया बाबा का आश्रम में। नहीं, इसके पहले कहाँ ही शादी हो नहीं होती। बलिया से तहलका हेडलाइंस के लिए राणा प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है तहलका हेडलाइन न्यूज और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। हमारी मेल आईडी है telkaheadlines.in@gmail.com। अब आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइक कर सकते हैं।